हेलो दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है, मैं आईटीआई से रिलेटेड जो है आपके लिए अपडेट लेकर आता रहता हूँ। आज की जो हमारी अपडेट है वो है BHEL। ये जो है अपडेट जो है ट्रीची का है। ट्रीची में जो BHEL है वहाँ विभाग ने जो है आपके लिए बहुत बड़ी संख्या में अप्रेंटिस निकाली है। इसका जो ये 25 तारीख से स्टार्ट हो गया था, आज हमारी 29 तारीख होगी और ये लास्ट जो आपका जो ये फॉर्म भरने की है वो है 7 सितंबर। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सी जो है वैकेंसी निकली है और कितने कितने जो है वैकेंसी है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिटर वालों के लिए 186, वेल्डर 120, इलेक्ट्रीशियंस 34, टर्नर 14, मशीनिस्ट 14 और RAC 6, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक 6, कारपेंटर 4, मैकेनिक मोटर व्हीकल 4 और प्लम्बर 2। तो ये कुल मिलाकर जो है आपके 390 जो है वैकेंसी है, जो कि काफ़ी अच्छी मात्रा में जो BHEL है हर स्टेट में ये जो है अपने विभाग जो है निकालता है अप्रेंटिस। तो जो ट्रीची में जा सकें वही सिर्फ इसको अप्लाई कर सकते हैं, अनदर जो बच्चे हैं वो नहीं करें, ताकि आपका जो है टाइम वेस्ट होगा। बाकी जो है आप ऑल इंडिया से जो है इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। बाकी आइए देखते हैं आगे की प्रोसेस क्या है। आपकी प्रोसेस जो है आगे का जो है 18 साल से लेकर 27 साल की एज है अगर आप, तो आप इसको फिलअप कर सकते हैं फॉर्म को। बाकी आपकी SCBT NCBT दोनों इसमें रिक्वायर्ड है। बाकी जो वेल्डर ट्रेड है उनके लिए सिर्फ NCBT चलेगा, SCBT नहीं चलेगा। बाकी और आगे देखते हैं इनका जो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, 10th पास और फिर उस ट्रेड में जो है आपकी ITI क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। बाकी जो है आपका हाउ टू अप्लाई के लिए ये इन्होंने जो है वेबसाइट दे रखा है, यहाँ पर जाके आप इस पर कर सकते हैं। पहले पोर्टल पर ज़रूर रजिस्ट्रेशन करें, उसके लिए मैं ऑफिशियल वेबसाइट का जो है लिंक दे दूँगा, वहाँ पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और ये आपका लास्ट डेट है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाकी बच्चे जो न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ताकि आने वाली जो भी अपडेट रहेगी उन तक टाइम टू टाइम पहुँच सके।